आज हम बनाना सीखेंगे लूज प्लाजो पैंट की कटिंग और सिलाई, जो कि आप भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक साइज के अनुसार आसन कितना रखना है, थाई की नाप कितना लेना है, वो सारा चार्ट के साथ बताया है। और चार्ट की वजह से आप किसी भी साइज का प्लाजो पैंट आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो यहाँ पर हिप साइज है मेरा 40 इंच और लंबाई है मेरी 40 इंच। बस ये दो ही नाप हमें चाहिए, बाकी के नाप का आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि उसका मैंने चार्ट दिया है, जिससे आप किसी भी साइज का प्लाजो पैंट कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर रेयन का कपड़ा लिया है, क्योंकि मेरी लंबाई है 40 इंच। अगर आपकी लंबाई 36 इंच या उससे कम है तो आपका प्लाजो 2 मीटर में बन जाएगा। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से आपको मोड़ कर लेना है, आप वीडियो में देख सकते हो मैंने कपड़े को लंबाई में मोड़ कर लिया है और फिर से एक बार चौड़ाई में इसको मोड़ दिया है। तो इस प्रकार मोड़ने के बाद ये जो मैंने फोल्ड किया है, मोड़ा है, ये मेरा जो थाई का नाप है जो 14.5 इंच है, उसके अनुसार मैंने इसको फोल्ड किया है। आप अपने थाई का मेजरमेंट चार्ट में देख लीजिएगा और उसके अनुसार कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा। अब इस तरह से ये पूरा फोल्ड होगा। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हम इलास्टिक जो लगाने वाले हैं तो हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, इसी में हम 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और यही पट्टी हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। उसके बाद उस लाइन से नीचे आपकी जो भी प्लाजो की तैयार लंबाई होगी वो डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरी 40 इंच है तो मैंने एकदम बराबर से 40 इंच पर मार्क किया है, ना इसमें ज्यादा लेना है और ना ही कम, और उसी मार्क के ऊपर लाइन बना दीजिएगा। अब उस लाइन के नीचे हमें बॉटम के लिए यानी मोरी के लिए कपड़ा तो फोल्ड करना होगा, तो उसके लिए मैंने 2 इंच लिया है। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, या फिर आप साइड से जो कपड़ा बचता है वहां से अलग से पट्टी भी नीचे की तरफ जोड़ सकते हो। अब देखो, ऊपर और नीचे मैंने 2-2 इंच छोड़ा है इलास्टिक और मोरी के लिए, और बीच में हमने डाली है 40 इंच की लंबाई। तो इस प्रकार हमारे ये नाप डले हैं। अब हम आसन का नाप लेंगे यानी क्रॉच लेंथ। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। तो ये मैंने तय किया है मेरे हिप साइज के अनुसार। जैसा मेरा हिप साइज 40 इंच है तो उसके अनुसार मैंने 12 इंच आसन की लंबाई ली है। आपके आसन की लंबाई कितनी है इसके लिए मैंने चार्ट बनाया है, तो वो चार्ट में आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हम इसी लाइन पर हिप का चौथा हिस्सा लेंगे। 40 इंच मेरी हिप है, उसका चौथा हिस्सा होता है 10 इंच, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो 12.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया। अब ये एक मार्क हो गया। दूसरा मार्क हम डालेंगे थाई का। तो थाई का मार्क मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 14.5 इंच पर। तो आपका थाई का नाप कितना है इसका मैंने चार्ट में बता दिया है, और वो चार्ट में आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आपके हिप साइज अनुसार आप अपने थाई का नाप देख सकते हो। अब ये जो पहला वाला हमने मार्क किया था ना, वो सीधा हमने ऊपर की तरफ जोड़ दिया, और ये थाई का मार्क यहां से हम आसन की गोलाई देंगे यानी क्रॉच की गोलाई देंगे इस तरीके से। तो बस ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने थाई का नाप डाला है 14.5 इंच का, आपका जो भी आया हो उतना ही हम घेरा लेंगे। तो नीचे की तरफ भी मैंने 14.5 इंच का मार्क किया घेरे के लिए। अगर आप घेरा थोड़ा सा 1 आध इंच कम रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, या फिर बढ़ाना चाहते हो तो भी बढ़ा सकते हो। तो मैंने जितनी थाई का घेरा है, थाई का मेजरमेंट है, उतना ही घेरे का भी डाला है। अब आप यहां से सीधी लाइन भी बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास इस तरह की स्केल है, लेग कर्व है, तो आप इस लेग कर्व को इस तरह से रखकर यहां पर शेप दे सकते हो। अगर आपके पास ऐसी स्केल नहीं है तो आप सीधी लाइन भी खींच सकते हो। तो यहां पर मैंने इस तरह से शेप दे दिया। अब हमारा कटिंग यही से होगा, लेकिन अगर आप घेरे को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, घेरा अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो फोल्ड करते समय, कपड़ा फोल्ड करते समय आप आगे की तरफ फोल्ड कीजिएगा जितना आपको घेरा चाहिए, और वहां से आप इस तरह से शेप दे सकते हो। देखिए, इस तरह से आपको स्केल को रखना है जितना आपको घेरा बढ़ाना है,
और इस तरह से शेप देना है। घेरा ज्यादा मत बढ़ाइएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक तरफ से ही सिलाई होती है। तो इस तरह से शेप दे दीजिएगा। अगर शेप की स्केल नहीं है, लेग कर्व नहीं है, तो आप सीधी लाइन भी खींच सकते हो इस तरीके से। अब ये मार्किंग हमारा पूरा हो चुका है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो देखो, यहां से यहां हमने हिप का चौथा हिस्सा अधिक 2.5 इंच लूजिंग डालकर 12.5 इंच पर मार्क किया था, और वहीं से लाइन हमने ऊपर की तरफ जोड़ दी थी। अब देखते हैं कि आसन और थाई का नाप कितना लेना है। तो उसके लिए हमने बनाया है चार्ट, जहां पर मैंने हिप साइज अनुसार आसन और थाई का नाप कितना लेना है वो बताया है। जैसा कि हमारा हिप साइज 40 इंच है, तो 40 हिप साइज के लिए आसन हमने लिया है 12 इंच और थाई का नाप लिया है हमने 14.5 इंच। इसी प्रकार आपको अपने हिप साइज देखना है और उसी के अनुसार उसके अगले कॉलम में आपको अपना आसन और थाई का नाप कितना लेना है वो देख लीजिएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी साइज का प्लाजो पैंट कटिंग कीजिएगा। अब हम इस प्लाजो पैंट का कटिंग करेंगे। तो यहां से हमने कट करना शुरू किया है, जहां से हमने मार्किंग किया है वहीं से मैंने कट किया है, क्योंकि ये मार्किंग हमने मार्जिन के साथ किया है। तो ये हमारा आगे का और पीछे का दोनों पल्ले कट हुए हैं। लूज प्लाजो में आगे का और पीछे का पल्ला दोनों सेम रहेंगे। अब मैं इसको खोल देती हूँ। खोलने के बाद एक एक पल्ला मैं सेपरेट करके रखूंगी। तो इस तरह से ऊपर वाला जो पल्ला है ये मैं बीच में फोल्ड करके साइड में रख दूंगी, और ये दूसरा वाला पल्ला भी मैं उल्टी साइड में बीच में फोल्ड करके साइड में रख दूंगी। इस तरह से ये हमारे आगे का एक और पीछे का एक दो पल्ले हुए हैं, दोनों पल्ले सेम होंगे। अब ये वाली साइड हमारी खुली है और ये वाली बंद है। तो खुली वाली साइड में हम यहाँ से नीचे तक सिलाई लगाएंगे, और सेम इस तरफ भी यहाँ से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ आसन से शुरू किया है, और ये सिलाई लगाते समय हमने सिर्फ 1/2 इंच ही सिलाई मार्जिन लेना है, और नीचे यानी मोरी तक हमने सिलाई लगा दी। तो दोनों साइड में हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें बॉटम की ओर यानी मोरी की ओर मोड़ देना है। तो इस तरह से हमने 2 इंच छोड़ा था, तो 2 इंच मैंने इसको ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ दिया। सेम मैं दूसरे पैर में भी करूंगी। तो दोनों पैर में मैंने ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। अब ये जो हमने मोड़ा है इसे हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो सिलाई लगाते समय इसे आप एक बार आयन करके लीजिएगा, ताकि अच्छे से आपको मोड़ने में परेशानी नहीं होगी, और इसको इस तरह से ऊपर से 1/4 इंच मोड़कर सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहां पर इस तरह से आप नाखून से प्रेस कीजिएगा या फिर आयन करके लीजिएगा, ताकि आपको मोड़ने में कोई परेशानी ना हो और अच्छे से यहाँ पर निशान बन जाए। अब इसे आप ऊपर से, ये देखिए, यहां से आपको इस तरह से मोड़ना है 1/4 इंच यानी 1/2 इंच, और फिर आपको यहां पर सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से बॉटम के यानी मोरी के पूरे घेरे में हम इसी तरह से गोलाई में सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो जैसा मैंने कहा, अगर कपड़ा आपका नीचे की तरफ नहीं बचता है लंबाई में, तो आप अलग से पट्टी भी जोड़ सकते हो। तो ये मैंने सिलाई लगा दी, और ये मोरी यानी बॉटम हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। इसी तरह से दूसरे पैर में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब बारी आती है आसन जोड़ने की। अब एक पैर को मैं सीधा करके लूंगी। सीधा करने के बाद एक पैर सीधा रहेगा और एक पैर उल्टा, तो ये है सीधा पैर। अब सीधे पैर को हम इस उल्टे पैर के अंदर डाल देंगे। तो इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी। डालने के बाद आसन की तरफ यानी यहां कमर की तरफ हमें पकड़ कर लेना है। तो ये देखिए अंदर की जो हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, उसका इस तरह से कमर का हिस्सा मैंने पकड़ा है, और इस पैर का भी कमर का हिस्सा अच्छे से हम पकड़ेंगे। दोनों को अच्छे से एक दूसरे को मिलाकर लीजिएगा इस तरीके से, और इसको उठाकर इस तरह से ठीक कर लीजिएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छे से चले गए हैं।
अब यहाँ क्रॉच की सिलाई है वो मिला कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर लेनी है। तो एक बार फिर से दिखाती हूँ, इसको मैंने ठीक कर देती हूँ और इस तरह से मैंने रख दिया। अब आपको एक ही पैर नजर आ रहा है लेकिन इसके अंदर और एक दूसरा पैर है, तो इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हमें यहाँ से यहाँ सिलाई लगा कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से अब मैं यहाँ से सिलाई को शुरू करूंगी। अब आप कहेंगे कि आप इस तरह से क्यों आसन जोड़ रहे हो। देखिए यहाँ पर आगे का और पीछे का पल्ला जो है हमारे पलाजो का वो सेम है, तो हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे गोलाई में। तो यहाँ पर आसन की ओर यानी क्रॉच की ओर ये खींचेगा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठेगा क्योंकि ये गोलाई में सिलाई लगती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब देखते हैं क्या करना है। तो देखो सिलाई हमने यहाँ से यहाँ लगा दी है। अब ये दोनों पैर एक दूसरे के अंदर है तो ये नीचे से मैं इसको इस तरह से खोल दूंगी। ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे तो ये दोनों पैर हमारे यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये देखिए। और ये हमारा आसन बहुत अच्छे से यहाँ पर जुड़ चुका है। अब बारी आती है ऊपर की तरफ बेल्ट जोड़ने की यानी इलास्टिक डालने की। तो इस पूरे पलाजो को मैंने उल्टे में कर दिया। अब इसको उल्टा करने के बाद आप देख सकते हो ये इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ इलास्टिक डालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पट्टी को बना कर लेंगे। तो हमने 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा था इलास्टिक के लिए, तो उतना ही मैंने इसको मोड़ कर लिया है। ये मैंने इसको मोड़ कर लिया है 2 इंच तक, जितना हमने निशान बनाया था। अब हम यहाँ इस तरह से आधा इंच मोड़ेंगे, आधा इंच से थोड़ा कम ही मोड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से पूरे गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच से थोड़ा कम मोड़कर मैं इसके ऊपर सिलाई चलाऊंगी। पीछे की साइड से भी हमें वैसा ही करना है, इस तरह से मोड़कर हम सिलाई चलाएंगे। तो देखो ये पट्टी है ऊपर की और यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये मैंने इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद आप एक बार अपने इलास्टिक का नाप लेकर देखिएगा, ये 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है, ये इसके अंदर आसानी से चला जाए उतनी जगह हमें यहाँ पर रखनी है। और इसी तरह से हम पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए पूरे गोलाई में बॉटम की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने पूरे गोलाई में सिलाई लगा दी लेकिन मैंने यहाँ पर 3 से 4 इंच खुला छोड़ा है क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक अंदर की तरफ डालेंगे तो खुला ही छोड़ना है। अब देखो पट्टी पूरी तैयार है, बिल्कुल अच्छे से तैयार है, लेकिन यहाँ से हमने इतना छोड़ दिया है ताकि हम इलास्टिक अंदर की तरफ डाल सके। अब यहाँ पर इलास्टिक का भी मैंने चार्ट दिया है। जैसा कि मेरा हिप साइज 40 है तो 40 हिप साइज के अनुसार मुझे इलास्टिक लेना है 28 इंच का, तो इसीलिए मैंने ये इलास्टिक 28 इंच का लिया है। आप अपना हिप साइज देखिएगा और उसी के अनुसार चार्ट में देखिएगा कि कितना इलास्टिक आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 28 इंच इलास्टिक लिया है और उसको मैंने सेफ्टी पिन लगाकर इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ डाल दूंगी और दूसरी साइड से बाहर निकाल दूंगी। जिस तरह से हम सलवार में नाड़ा इंसर्ट करते हैं सेम उसी तरीके से इलास्टिक को अंदर की तरफ डालकर इस साइड से मैंने इसको बाहर निकाला है। अब इस दोनों नो इलास्टिक को पकड़कर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आधा इंच हमने एक दूसरे के ऊपर इलास्टिक को चढ़ाया है दोनों तरफ से और फिर यहाँ से हम आगे पीछे करके इसको लॉक कर देंगे। बस आगे पीछे करके मैंने इसको लॉक कर दिया है और अब इस इलास्टिक को अंदर की तरफ डाल देंगे और फिर यहाँ से हम ये जो खुला वाला हिस्सा था यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाते समय इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं जाएगी, इसका ध्यान रखना है। ये पूरा बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद इसे हम 4 से 5 बार इस तरह से खींचेंगे तो ये जो प्लीट्स है चुन्नट है ये चारों तरफ गोलाई में सेम हो जाएंगी। ये सेम हो गई है। अब हम इस इलास्टिक के बीच में से एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाते समय इलास्टिक को पूरी तरह से खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से खींचकर सिलाई लगाते हुए मैंने पूरे में सिलाई लगा दी और ये पलाजो हमारा बिल्कुल तैयार है।
फिटिंग में भी ये बहुत सुंदर आता है, बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है और काफी ट्रेंडिंग में भी है। आप इसे लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, क्रॉप टॉप के ऊपर भी पहन सकते हो। अब आप भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस प्लाजो को बना सकते हो चार्ट की मदद से, तो जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। कोई डाउट्स है तो जरूर पूछना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।